हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट ने आप लोगों के लिए इंटर्नशिप लॉन्च की है, उनमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दो इंटर्नशिप बेसिकली लॉन्च की है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, तो आप सभी उनमें अप्लाई कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के पास इतनी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने का दोस्तों। तो पूरी प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे आप लोगों को अप्लाई करना होगा इन इंटर्नशिप्स के लिए। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल ट्रिकी मैन पर, तो जल्दी से ट्रिकी मैन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप के बारे में, कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। तो ये वेबसाइट, यहां पर आप लोगों को अगर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है तो भी आपको यहीं पे जाना होगा, इंटर्नशिप करनी है तो भी आपको यहीं पे जाना होगा। जितनी भी लेटेस्ट अपडेटेड इंटर्नशिप होती है वो सारी आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। तो अभी हाल फिलहाल में दो इंटर्नशिप लॉन्च किए माइक्रोसॉफ्ट ने आप सभी के लिए, उनकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स के लिए ही बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लोकेशन चूज कर लेनी है आप लोगों को कहाँ पर इंटर्नशिप करनी है। बेसिकली अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में आप चूज कर सकते हैं इंडिया की इंटर्नशिप्स के लिए। उसके बाद लोकेशन जैसे ही आप लोग चूज करते हो आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको जॉब करनी है, जॉब ढूंढ रहे हो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट में या फिर इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंटर्नशिप के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इंटर्नशिप मिलने वाली है, दो जो इंटर्नशिप है बेसिकली, तो उनकी हम लोग बात करेंगे। तो जस्ट आप लोगों को यहाँ पे सर्च ओपन इंटर्नशिप रोल्स पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हो आपके सामने दो रिजल्ट आ जाते हैं, दो इंटर्नशिप है बेसिकली, एक तो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप, एक है डाटा साइंस की इंटर्न, मतलब इंटर्नशिप ही है डाटा साइंस की। अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी होती है, कुछ क्रिटेरिया होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आप लोग को पर्टिकुलर जिस इंटर्नशिप में आप लोगों को अप्लाई करना है उसमें जाके देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक इंटर्नशिप में अप्लाई करके दिखा देता हूँ कैसे आप लोगों को अप्लाई करना होगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हो जो जिस भी इंटर्नशिप के लिए आप लोग अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे ये डाटा साइंस में हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ये कुछ एलिजिबिलिटी आ जाती है हमारे पास डाटा साइंस की। तो ये जो बेसिकली इंटर्नशिप पोस्ट की गई थी वो 19 अगस्त को की गई थी, बट ऐसा नहीं है, ये जो इंटर्नशिप है वो दो तीन दिन पहले ही पोस्ट की गई है। आई डोंट नो ये क्या दिक्कत है या फिर क्या एरर है। यहाँ पे होता ऐसा है कि यहाँ पे कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही हायर किया जाता है इंटर्नशिप के लिए। अगर वो लिमिटेड स्टूडेंट्स हायर नहीं हो पाते हैं या फिर इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पाते हैं तो वही इंटर्नशिप दोबारा से लॉन्च कर दी जाती है। यानी ये डाटा साइंस इंटर्न पहले भी लॉन्च की थी 19 अगस्त तक, और आज दोबारा से ये अप्लाई कर सकते हो आप लोग। बट होगा ये कि ज़्यादा स्टूडेंट जैसे ही अप्लाई कर देंगे डाटा साइंस या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप में तो ये दोबारा से नॉट अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, कुछ दिन बाद दोबारा से आपको इसी प्लेटफॉर्म पर जाना है और आप लोगों को देखना है कि दोबारा से ओपन हुई है या नहीं हुई है अगर आपको डाटा साइंस इंटर्नशिप में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स आ जाते हैं कि आपका प्रोफेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट टाइप इंटर्नशिप है, ये फुल टाइम इंटर्नशिप होगी आप लोगों के लिए। आपको जॉब लोकेशन भी बताई गई है, यानी ये वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप नहीं होने वाली, आपको बैंगलोर, हैदराबाद या फिर नोएडा जाके काम करना पड़ सकता है। हो सकता है अभी कुछ टाइम बिंग के लिए आपको वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया जाए कोविड-19 की वजह से, बट इन फ्यूचर आप लोगों को इन तीनों लोकेशन में से एक लोकेशन मिलने वाली है आपकी इंटर्नशिप करने के लिए। तो उसके बाद कुछ डिटेल्स पढ़ सकते हैं आप लोग माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप के बारे में। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कि क्या क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं अगर आप एज अ डाटा साइंस इंटर्न सेलेक्ट होते हो इंटरव्यू के बाद। तो आपको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली हैं, प्लानिंग की, डिजाइनिंग की, इंप्लीमेंटेशन की, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है उस टाइम। बहुत लोग कहते हैं इंटर्नशिप में हमें काम क्या करना पड़ता है, तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है आप लोगों का। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कौन कौन एलिजिबल है ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बीटेक, एमटेक, एमएस डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटिव क्वांटिटेटिव फील्ड विद मिनिमम सीजीपीए ऑफ 8 अराउंड ऑफ 10। यानी कि आपकी 8 सीजीपीए होनी चाहिए मिनिमम, अगर आपने बीटेक करके, एमटेक करके, एमएससी कर रखी है या फिर उससे कोई इक्विवेलेंट डिग्री कर रखी है तो आप सभी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक और जो एलिजिबिलिटी होती है वो सारी आप लोग देख सकते हो, मेन तो यही एजुकेशन वाली ही होती है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। जो दूसरी वाली थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली इंटर्नशिप, उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। लोकेशन ऑफ ऑपरेशन जो कि मैंने बताया आपको जाना पड़ सकता है यहाँ पर काम करने के लिए इंटर्नशिप के लिए आपकी। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर लिखा है, ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो कि भेदभाव नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट किसी भी स्टूडेंट्स के साथ, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। अकोमोडेशन वगैरह के लिए अगर आप लोग को रहना है वहाँ पे तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बेनिफिट्स वगैरह बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है तो सीधी सी बात है बेनिफिट तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो।
तो अप्लाई करने का तरीका जस्ट इतना ही होगा, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जस्ट आप लोगों को क्लिक कर देना है अप्लाई नाउ पे। उसके बाद आप लोग के यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो भी आपका अकाउंट है उससे लॉगिन कर देना है। आप लोग उस अकाउंट से लॉगिन कर दोगे, लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने एक रिज्यूमे टाइप फॉर्म फिल करने के लिए आएगा, तो वो आपको फॉर्म फिल कर देना है। जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल करोगे आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, जो भी आप लोग अपनी मेल आईडी यहाँ पे देते हो उस मेल आईडी पे आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आपसे रिज्यूमे वगैरह की डिटेल मांगी जाएंगी। ये जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रही होगी ये पूरी प्रोफाइल जो मैंने बताया आप लोगों को, ये कंप्लीट फॉर्म आप लोगों को बेसिकली फिल करना होता है, उसी के बाद आपकी नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से इस टाइप से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके भी इस टाइम पे हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।